आज का हमारा टॉपिक है चेच मेमोरी। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें चेच मेमोरी की ज़रूरत पड़ी समझे तो चेच मेमोरी हम क्यों यूज़ करते हैं अपने सीपीओ की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इंक्रीज करने के लिए और अच्छी बनाने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वाई वी नीड चेच मेमोरी चेच मेमोरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसलिए क्योंकि ये यूज़ होता है इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम की परफॉर्मेंस को अब इसके बाद हम चेच के मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले ज़रा एक बार चेक करो आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं इस लेक्चर में सो टॉपिक्स कवर इन दिस क्लास आर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ चेच मेमोरी फिर हम चेच मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम डाइग्राम देखेंगे चेच मैमरी का देन लेवल ऑफ चेच मैमरी एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ चेच मैमरी एंड एट लास्ट एडवांटेज एंड डिस दिस नाओ फर्स्टली वट इज़ द रोल ऑफ चेच मैमरी नंबर वन है जो चेज मैमरी होती है वो टेम्परेली स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को डाटा को और प्रोग्राम्स को जो यूज़ किए जाते हैं बाय सी पी यू सेकेंडली जब भी हमें डाटा की ज़रूरत होगी हमें अपना वो डाटा चाहिएगा तो सी पी यू ऑटोमेटिकली टर्न कर देगा मैमरी को चेज मेमरी में इन सर्च किस लिए फास्टर डाटा सेस के लिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने डाटा को ढूंढ सकें सो so, ये हमारे चेज मेमोरी के रोल थे नाउ व्हाट इज़ अ चेज मेमोरी? चेज मेमोरी क्या होती है चेज मेमोरी भी एक मेमोरी होती है जैसे अदर मेमोरीज होती हैं इसकी स्पेशलिटी क्या होती है मेमोरी इज स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमरी ये जो मेमरी है और मेमरीज के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड मेमरी होती है नाउ मेमोरी डायग्राम देखो मैंने आपको क्या बताया था चेज मेमोरी कहाँ होती है सीपीयू के और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस होती है तो देखो इस डायग्राम में चेज मेमोरी कहाँ है सीपीयू के और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस की गई है बूस्ट अप करने के लिए हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए नाउ लेवल्स ऑफ मेमोरी अब ऑब्वियस सी बात है हमें ये भी देखना है चेच मेमरी का कौन सा लेवल स्टे करता है मेमोरी में तो हमारे पास फोर टाइप के फोर लेवल है मेमोरी के सबसे पहले लेवल नंबर वन है जो है रजिस्टर ये क्या करता है ये वो टाइप ऑफ मेमोरी है जो डाटा को स्टोर करती है एक्सेप्ट करती है और इंटरमीडिएटली स्टोर कर लेती है सी में उसके बाद हमारे पास आता है लेवल नंबर टू जिसे हम बोलते हैं चेज मेमोरी ये क्या होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है जिसका फास्टेस्ट असेसिंग टाइम होता है जल्दी से जल्दी अपना काम कर लेती है और टेम्परेली स्टोर करती है फास्टेस्ट असेस पे डाटा को अपने सीपीओ देन हमारे पास आती है थर्ड लेवल जो होती है मेन मेमोरी ये क्या करती है जो हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर ये उस डाटा को स्टोर करती है और जैसे ही हमारा जो पावर ऑफ हो जाती है अपने सिस्टम की वो जो है डाटा लॉस्ट भी हो जाता है उसके बाद आता है लेवल नंबर फोर जो है सेकेंडरी मेमोरी इसमें क्या होता है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है जैसे हमारे पास चिप्स होती हैं पेन ड्राइव होते हैं ये सब एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं जो हमारे डाटा को स्टोर करती हैं अपने अंदर Uh, अपने अंदर और काफी लंबे टाइम के लिए और परमानेंटली जो है ये स्टोर करती है डाटा को सो so, ये जो थे हमारे लेवल थे मेमोरी के नाउ एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज मेमोरी यूजली द चेंज मेमोरी कैन स्टोर रीजनेबल नंबर ऑफ ब्लॉक एट अ गिवन टाइम बट दिस नंबर स्मॉल कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इन द मेन मेमरी जो चेंज मेमोरी होती है वो स्पेसिफिक नंबर रीजनेबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करती है अपने अंदर स्टोर करती है एज कम्पेयर टू द मेन मेमरी और इसका नेक्स्ट पॉइंट है द कॉरस्पोंडिंग बिटवीन द मेन मेमरी ब्लॉक एंड दोज इन चेज इस्पेसिफाइड बाई मैपिंग फंक्शन जितने भी हम मेन मेमरी में ब्लॉक्स डाल लेंगे और चेज मेमरी में वो सब क्या होते हैं स्पेसिफाइड होते हैं किसी मेमरी फंक्शन से ना टाइप्स ऑफ अ चेज मेमरी जो हमारी चेज मेमरी होती है उसके दो टाइप होंगे एक नंबर वन है प्राइमरी चेज और नंबर टू है सेकेंडरी चेज जो नंबर वन प्राइमरी चेज है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या है जो प्राइमरी चेज होती है वो लोकेट करेगी प्रोसेसर चिप में और ये स्मॉल होती है और क्या होता है ये कंपेयरेबल इसका जो असेस टाइम है कंपेयरेबल होता है टू तो द प्रोसेसर रजिस्टर उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी चेंज सेकेंडरी चेंज क्या होती है ये जो है प्लेस की जाती है बिटवीन प्राइमरी चेज और अदर मेमोरीज जो हमारी प्राइमरी चेज है उसके और अलग से जो और भी मेमोरी है उनके बीच में क्या की जाती है सेकेंडरी चेज हमारी प्लेस की जाती है और इसे हम लेवल टू चेज भी बोलते हैं नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ चेज मेमोरी चेज मेमोरी इज़ मच फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो चेज मेमोरी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्टर क्या करती है काम करती है सेस करती है इट स्टोर ओल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रिक्वेंटली यूज बाय सी पी यू दे आर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सी पी यू जितना भी डाटा जो है स्टोर होता है और इसमें वो एकदम से क्या करती है सी पी यू को प्रोवाइड भी करती है और ये क्या करती है इंक्रीज़ करती है परफॉर्मेंस सी पी यू की नेक्स्ट है द डाटा से टाइम ऑफ स्टेज मेमोरी इज लेस देन प्राइमरी मेमोरी जो डाटा एसेस करने में टाइम लगता है चेज मेमोरी को वो लेस होता है देन द दे प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ चेज मेमोरी। इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन द रेस्ट ऑफ द मेमोरी। जो ये चेज मेमोरी होती है ये और मेमोरी से क्या होती है एक्सपेंसिव होती है क्यों क्योंकि ये फास्टर रिस करती है इट uh, उसके बाद है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज क्वाइट हैंडी इसका जो है हम जितना डाटा इसमें स्टोर करेंगे वो क्वाइटली थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है उसके बाद है स्टोर द डाटा टेम्परेली ये डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करती टेम्परेली स्टोर करती है जो कभी भी लॉस्ट हो सकता है वैन कंप्यूटर टर्नड ऑफ द डाटा स्टोरड इन इट्स इज डिस्ट्रॉयड जैसे ही हमारा जो है सी जो है मतलब हमारा सिस्टम टर्न ऑफ होगा तभी जो डाटा जितना भी इसके अंदर स्टोर है डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे आपने सारा टॉपिक आई होप सो अच्छे से समझा होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा सारा कंसेप्ट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच